असा देवी आजादी की भेंट वेखो, असा देवी आजादी की भेंट वेखो, जान माल सरबंस चढ़ावना है, जान माल सरबंस चढ़ावना है, एक बार फरंगी की कैद विचों, एक बार फरंगी की कैद विचों भारत देश आजाद करावना है, भारत देश आजाद करावना है। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं सतवीं जमात की विद्यार्थन हाँ। मैं 75वीं आजादी दिवस नूं समर्पित होने जा रहे विद्यक मुकाबलों विच भाग लेंदी हुई अपने भारत देश बारे कुछ विचार पेश करन जा रही हाँ। भारत की आजादी का इतिहास बहुत लंबा है। भारत नूं किसे समय सोने की चिड़ी कहा जाता सी। वख-वख समयां ते विदेशी हमलावर आए ते इस उत्ते काबज़ होने की कोशिश करते रहे, पर साडे भारत देश दे महान सपूतां ने इस दी आन शान लई अपनियां कीमती जानां दी आहुति दित्ती। अज मैं भारत दी आजादी दी गल करांगी। साडा देश भारत लगभग 100 वरे अंग्रेजां दा गुलाम रहा। इस गुलामी दे जूले नूं लाउण लई सानूं सख्त मेहनत करनी पई। भारत देश दे महान सपूत ओनी देर नींद भर के नहीं सुते जद तक उन्हां ने अपने प्यारे भारत देश नूं आजाद नहीं करवा लिया। जेकर मैं इन्हां महान सपूतां दी गिनती करन लगा तां मैं कर भी ना सकां। इस योद्धियां विचों भगत सिंह, करतार सिंह सराबा ते उधम सिंह वर्गे महान सूरबीरां ने अपनी चढ़दी जवानी दे शौक खुशियां नूं अपने देश तों कुर्बान कर दिता। गांधी जी वर्गे शांति पुजारी नेता ने भी शांति अंदोलन राही अपना योगदान पाउण लई वख-वख लहरां दा आयोजन किया, पर भारत माता दा गर्म खून जान गया सी कि लातों के बूत बातों से नहीं मानते। उन्हां देश दी आजादी खातर हर हाथ कंडिया वरत्या। अंत अंग्रेजी हकूमत नूं मूंह दी खाणी पई ते भारत नूं आजाद करन दा फैसला कर लिया, पर अपनी कोझी चाल चलदिया साडे कुछ बेसमझ नेतावां दीआं कमजोरियां करके साडे देश नूं दो टुकड़िआं विच वंड गए। साडा भारत 15 अगस्त 1947 नूं अंग्रेज़ हकूमत तों मुक्ति पा के आज़ाद हो गया। लाल किले ते कौमी झंडा लहरा उठिया। भारी कीमत चुकाउण तों बाद असी आज़ाद भारत दे नागरिक बन गए। आओ कसम खाइए कि असी अपने देश दी एकता अते अखंडता ते पहरा दईए। साडी पिठ ते कड़ा इतिहास साडा, साडी पिठ ते कड़ा इतिहास साडा, सानू मान है लहू दे रंग उत्ते, सानू मान है लहू दे रंग उत्ते। असी जानदे किंज गुरबान होना, असी जानदे किंज गुरबान होना, सोहने देश दी एक वी मंग उत्ते, सोहने देश दी एक वी मंग उत्ते। धन्यवाद।